वेलकम बैक टू माय चैनल मिताली ब्यूटी एंड ब्लॉगिंग। तो लक्ष्मी पूजा का ब्लॉग है और लक्ष्मी पूजा वाले दिन हमारे में बंगालियों में पैर में आलता ज़रूर लगाती है सुहागन औरतें। और ये मेरे लक्ष्मी पूजा वाले दिन का लुक है। यहाँ पे मैंने बंगाली साड़ी पहन रखी है और पूरा ए टू जेड मैंने बंगाली लुक कर रखा था और बाल खुले कर रखे थे। और ये देख सकते हैं यहाँ पर नारियल छील रहे शंकर जी, हथौड़ा और पेचकस लेके। छिलके वाली नारियल थी तो ये नारू बनाने के लिए नारियल मंगाया था। और ये यहाँ पे केला का बोरा बन रहा था और यहाँ पे मैंने ये चावल की बर्फ़ी बनाने के लिए चावल को अच्छे से मिक्सर में पीस लिया था और प्लेट में सजा लिया था। इसके अंदर नारियल और ड्राई फ्रूट्स मिक्स है और जो नारियल आपको दिखाया था उसका गुड़ में देख के उसको पकाया था नारू बनाने के लिए। तो नारू बनाने के लिए सबसे पहले नारियल को और गुड़ को पकाते अच्छे से, उसके बाद फिर जब ये हल्का ठंडा हो जाए और फिर इसका गोल गोल बना लेते हैं। उसके बाद फिर इसको रख देते हैं, ये बाद में जो है अपने आप ही सख्त हो जाता है, अभी तो नरम है, बाद में ये सख्त हो जाएगा। तो नारू बनके मेरा रेडी है। और जो मैंने चावल की बर्फ़ी दिखाई थी आपको प्लेट में सजा के रखा था उसको भी मैंने कटिंग करके निकाल लिया है। और यहाँ मैं भोग के लिए 5 तरीके का फ्राई बनाऊंगी और खीर बनाऊंगी। तो दूध उबाल दिया था मैंने, तो जितनी भी मिक्स सब्जी थी तो सब में मैंने हल्दी मिला लिया। और यहाँ पर मैं घर में नॉर्मल वाला जो नमक यूज़ करते वो ना यूज़ करके सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पूजा का प्रसाद के लिए सेंधा नमक का यूज़ करना चाहिए। तो सारे सब्जियों में मैंने हल्दी और नमक अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा के उसको तेल रिफाइंड तेल मतलब दिया है, रिफाइंड तेल में फ्राई करूँगी। तो तेल गर्म हो गया है हमारा। अब मैं सारे बैंगन, फूलगोभी और जो छोटे छोटे आलू मूली जो भी कट के सारा सजा के अच्छे से मैं दे दूँगी और मीडियम आंच पे सबको फ्राई कर लूँगी। और साइड में मैंने खिचड़ी बनाने के लिए सारा सामान निकाल के रखा है पहले से ही, जो जो मुझे चाहिए। तो यहाँ मैं खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले सरसों का तेल दूँगी और उसके बाद तड़के में मैं यहाँ पे सिंपल सा जीरा, तेजपत्ता और सूखी मिर्च और यहाँ पे अदरक को मैंने कद्दूकस करके रखा था, अदरक बस यही सब चीज़ें दूँगी। मैंने पहले तड़का लगा के उसके बाद उसमें दाल चावल दे के ही बनाऊँगी। बहुत लोग पहले दाल चावल को उबाल लेते हैं उसके बाद भी तड़का लगाते हैं, पर मैंने यहाँ पे पहले ही तड़का लगा दिया है। और फिर तड़का लगाने के बाद उसमें दाल चावल अच्छे से डाल देना है। तो दाल में मैंने यहाँ पे हरी वाली मूंग की दाल ली है और येलो वाला मूंग का दाल लिया था और यहाँ पे कच्चे चावल लिए थे जिसको बंगाली में आतो चावल बोलते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं, जो भी मैंने तड़के में डाली थी दाल चावल और जो भी मसाले हैं सारे को मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे बस सिंपल सा सेंधा नमक डालूँगी और थोड़ा सा हल्दी डालूँगी और थोड़े देर 4-5 मिनट चलाने के बाद उसके बाद मैं इसमें नॉर्मली पानी डाल दूँगी। तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि दाल चावल है खिचड़ी, आपको पता है जैसे जैसे वो पकेगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो चावल के साथ आपको पानी अच्छे से डालना है। और ये मेरी खिचड़ी लगभग बनके तैयार है और थोड़ा सा पानी और सूखेगा। और साइड में ही मैं खीर भी बना रही थी, तो एक तरफ खिचड़ी बन रहा था मेरा, एक तरफ खीर बन रहा था। और यहाँ पे मैं भोग के लिए पूड़ी बना रही थी, तो एक साथ मतलब कोई नहीं था हेल्प करने वाला, कैमरा लगा के मैं पकड़ पकड़ के उसमें ट्राइपॉड में लगा के कर रही थी सारा कुछ वीडियो शूट। और यहाँ सिर्फ मैं भोग के लिए अभी आटा गूंद के मैंने रख दिया था और सिर्फ भोग चढ़ाने के लिए मैं जल्दी जल्दी पूड़ियाँ बना रही थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था, 7:30 बजे तक की पूजा का टाइम था, उसके बाद पूर्णिमा नहीं था। तो यहाँ पर मैंने 5-6 पूड़ियाँ बना ली थी और भगवान के भोग के लिए मैंने पूड़ी के साथ साथ मालपुआ भी बनाया था जो कि मैं अभी आगे दिखाऊंगी। तो ये मैंने जल्दी जल्दी मतलब जितना जल्दी मेरे से हो सका उतना जल्दी मैंने सारा भोग खुद ही एक अकेले ही मैनेज किया बना के, कोई भी नहीं था, ना हस्बैंड थे ना सास थे, कोई भी नहीं था। पर हाँ बाद में मेरी मामा मामी और एक भाई आए थे और एक बहन भी आई थी जिन्होंने वो लोग आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लक्ष्मी पूजा वाले दिन घर में मेहमान आना शुभ होता है क्योंकि हमारे घर में आए थे और मामा ने पूजा करते टाइम मेरा थोड़ा बहुत ब्लॉग बना लिया था, जिसके वजह से मैं लक्ष्मी पूजा वाला ब्लॉग जो है बना पाई, वरना अगर वो नहीं आते, मामा मम्मी नहीं आते, तो शायद मेरा ब्लॉग बन भी नहीं पाता। तो इसी के साथ साथ मैं जल्दी जल्दी
देखो कितनी जल्दी जल्दी मैं पूड़ियाँ बना रही थी और गैस भी मैंने बढ़ा दिया था क्योंकि पूड़ियाँ फूल नहीं रही थी अच्छे से। तो ये देखो साइड में गोल गोल जो है ये मालपुआ है, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भोग के लिए मालपुआ बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था, बस जितना भोग में चढ़ा सके। और सारा कुछ बना के यहाँ पे मैंने फ्रूट्स धो के रेडी कर लिया, खिचड़ी बन के रेडी है, खीर बन के रेडी है और इसमें पूड़ी और मालपुआ बन के रेडी है। और ये आटो चावल भिगो के रखा है, ये केले का बोरा बन गया है मेरा, और ये 5 तरीके की फ्राई, और ये चावल की बर्फ़ी, और ये नारू, उसी के साथ ये भी बनाया था मैंने मूरी का मुआ। और ये मामी है मेरी जो आलपना देने के लिए खोरी माटी घोल रही थी, और ये चौकी आसन। तो सबसे पहले मैंने आसन सजाने के लिए यहाँ पे बहुत सारा फूल लाई थी मैं, तो फूलों की मैं माला बना रही थी लंबी लंबी, मैंने 2 लड़ी बनाई थी और बीच में सजाने के लिए 1 लड़ी बनाई थी। और मेरा हाल जो था बहुत ही बेहाल था, मैं रेडी भी नहीं हो पाई थी, बाद में मैं रेडी हुई थी। और ये मेरा पूरा सच के आसन देख सकते हो आप, सिंपल सा छोटा सा ही सजाया मैंने पर बहुत ही मन से किया था सब कुछ जो भी किया था। और यहाँ पे मैंने भगवान की चौकी सजाई थी और यहाँ पे सामने में छोटा सा आलपना आका था, मेरे को आलपना आकने का भी टाइम नहीं मिला था, जितना भी हो सका था मुझसे जल्दी जल्दी मैंने सारा कुछ किया था मैनेज। तो ये माँ लक्ष्मी के आसन के सामने छोटा सा आलपना बनाया था मैंने फूल, और लक्ष्मी जी के छोटे छोटे पाव बनाए थे जो कि जब मैंने चौकी पे लाल कपड़ा बिछाया था तो सारा कुछ ढक गया था। और ये बाहर आलपना बनाया था ये दरवाजे के पास, और ये देखिए फ्रेंड, तो ये देख सकते हो मैं चौकी सजा रही हूँ। तो चौकी में जब मैंने लाल कपड़ा बिछाया था तो सारी जो मैंने रंगोली बनाई थी जो बंगाली में आलपना बोलते सारा कुछ ढक गया था। और ये मेरी लक्ष्मी माँ की मूर्ति, और ये सारा सिंगार का सामान दे रही हूँ यहाँ पे मैं, सिंदूर आलता तेल और आईना शाखा वगैरह देते हैं, रेड शाखा चूड़ी, और ये चाँद माला उनके हाथ में देते हैं। तो मैं मूर्ति लाके करना चाहती थी छोटा सा, बट मुझे छोटा सा लक्ष्मी माँ की मूर्ति नहीं मिली थी इसलिए मैंने फ़ोटो से ही सारा कुछ मैनेज किया था। और यहाँ पे मैं कलश बिठा रही थी, तो कलश के नीचे मैंने पंचजीरा डाला था, और ये आम का पल्लव जिसमें मैंने सिंदूर का फोटा लगाया, और घट में भी मैंने एक छोटा सा ओम बना दिया था। आप ओम स्वास्तिक या फिर कोई भी चिन्ह बना सकते हो जो भी आप शुभ मानते हो। और यहाँ पे मैंने नारियल में 5 टीका लगा के कलश में स्थापित कर दिया था। और खाली कलश कभी भी स्थापित नहीं करना चाहिए, उसके अंदर आप सिक्का डाल सकते हो, कौड़ी डाल सकते हो, सिदूर या फिर औरत की डाल के उसके बाद ही कलश को बैठाना चाहिए। तो ये बेल पत्ते में डाल रही थी, और ये एक छोटा सा लाल कपड़ा ऊपर से मैंने लगा दिया था। तो ये सब जो वीडियो था ये मेरे मामा बना रहे थे ब्लॉग, और साइड में ये जो है तिलक वगैरह बोल रही थी मैं, और इसमें एक मटके में मैं धान भर रही थी, और दूसरे एक उसको शेर बोलते हैं उसमें चावल भर के दिया था, जो कि ये लक्ष्मी माँ के सामने ये सब चीज़ें रखनी चाहिए, कोड़ी रखना चाहिए। और ये सब जला रही थी, ये सारा भोग वगैरह सजाने के बाद का नज़ारा है, सारा कुछ मैंने भोग सजा के प्लेट में करके अच्छे से दे दिया था, और पीने के लिए पानी भी रख दिया था। और यहाँ पे मैं 5 दीपक जला रही थी जिसको पंचकोड़ी बोलते हैं। तो ये सजा के मैंने माता के सामने लक्ष्मी माँ के सामने रखा था, और साथ ही में मैं धूप जला रही थी, और मेरी सास भी जला रही थी, हाँ दिया मेरी सास आ चुकी थी, जब मैं पूजा में बैठी थी तभी मेरी सास आ गई थी, तो उसके बाद उन्होंने जितना हो सका मेरी हेल्प किया। तो सारे दीपक अच्छे से जला के हमने माता के सामने रखा था, और उसके बाद जो है हमने सब लोगों ने मिल के पूजा किया। उसके बाद मैंने लक्ष्मी की पाचाली होती है वो पढ़ा, और जितना भी मुझे आता था लक्ष्मी पूजा का नियम विधि सारा कुछ मैंने किया घर पे, बिना पंडित बुलाए पूजा किया सब कुछ मैंने किया। वो आलपना मास करने रखा, और ये सारा कुछ सजा सजा के है ना मैं रख रही थी अच्छे से। और फ्रेंड ये है फाइनल लुक, सारे भोग मैंने अच्छे से सजा दिए हैं, और ये रहा वो डेकोरेशन, और पूजा कंप्लीट होने हो गई थी मेरी। सो फ्रेंड हमारा आज का लक्ष्मी पूजा ख़त्म, सारा कुछ अच्छे से हो गया, और मतलब थोड़ा मैं जल्दबाजी में भी थी क्योंकि 7:30 बजे तक ये शुभ टाइम था, उसके बाद जो है पूर्णिमा मतलब उतर जाता क्योंकि पूर्णिमा नेक्स्ट डे से लगा था, और आज का पूरा दिन और शाम 7:30 बजे तक था।
तो सारा कुछ अच्छे से हो गया और हमारे घर में मेहमान भी आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मेरे मामा मामी आए थे और एक भाई भी आया था, मेरी सिस्टर आई थी, शंकर के जो दोस्त लोग आए थे और आसपास के लोग भी थे जिनको प्रसाद वगैरह दिया। काफ़ी कुछ मतलब सिंपल सा अच्छे से मैनेज हो गया। और मैंने साड़ी पहनी थी जो अभी मैंने खोल दी, बहुत ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल लग रहा था और अभी सोने का टाइम है तो मुझे तो ध्यान भी नहीं था कि मुझे मतलब पूरे ब्लॉग में तो मैं थोड़ा सा भी आपने देखा होगा मैंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई क्योंकि शक्ल के 12 बजे थे। तो ये था कि बस जो जो मैं कर रही थी थोड़ा थोड़ा वही दिखा रही थी और ब्लॉग भी मैं अच्छे से पूजा करते टाइम शूट नहीं कर पाई क्योंकि शंकर जी ऑफिस से आए नहीं थे और मेरी सास को ब्लॉगिंग करना नहीं आता, सिर्फ मैं अकेली थी। तो जैसे तैसे मैंने मैनेज कर दिया सारा कुछ और अच्छे से हो गया। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल पे न्यू हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, नीचे एक बेल आइकन आ रही होगी तो उसको भी दबा देना। ठीक है अब मैं ख़त्म करती हूँ, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।